हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से शिव जी ने भगवान विष्णु से मोहिनी मूर्ति के रूप का दर्शन प्राप्त करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने बहुत रोकने का प्रयास किया, बट शिव जी वॉज एडमेंट एंड फाइनली द रूप वॉज रिवील्ड। लो एंड बिहोल्ड, शिव जी ने जब मोहिनी मूर्ति का रूप देखा, श्रीमद भागवत में वो कथा बहुत सुंदर रूप से आती है। शिव जी पूरी तरह से भगवान विष्णु के मोहिनी मूर्ति रूप के पीछे, जैसे हम कहते हैं, टल्ली हो गए। इमीडिएटली शिवजी हैड ऑल हिज सेंसेस अराउज्ड, ही बिगन चेजिंग मूविंग टूवर्ड्स मोहिनी मूर्ति। मोहिनी मूर्ति आगे जा रही है, देखते हुए कि शिवजी आ रहे हैं, मोहिनी मूर्ति इज ट्राइंग टू स्लिप अवे। शिवजी वेरी डेस्परेटली वॉन्ट्स टू टच हर, ही इज रनिंग। मोहिनी मूर्ति भाग रही है, मोहिनी मूर्ति भाग रही है एफर्टलेसली, और उनके पीछे शिवजी भाग रहे हैं विद ऑल हिज एफर्ट्स। एंड मोहिनी मूर्ति इज लाइक, अरे अभी पकड़ा, अभी पकड़ा, अभी पकड़ा, अभी पकड़ा, ऐसे शिवजी को लग रहा है, लेकिन मोहिनी मूर्ति हाथ में ही नहीं आ रही। शिवजी भाग रहे हैं, त्रिभुवन देख रहा है। शिवजी जो माया के स्वामी हैं, जिनके पैरों तले माया रहती है, वो आज भगवत माया के पीछे भाग रहे हैं। विष्णु इधर ही नहीं रुके, मोहिनी मूर्ति शिवजी को भगाते भगाते ऐसी जगह लेके गई जहां पर शिवजी के बहुत ही कड़े शैव उपासक शिवजी के प्रति आराधना कर रहे थे। एंड ऑल शिवाज डिवोटीज नो हाउ सेलिब्रेट एंड वेरी सेंस कंट्रोल्ड शिवा इज। वो मोहिनी मूर्ति के छन छन घुंघरों की आवाज सुन रहे हैं और वो सब सोच रहे हैं, अरे इतने घने जंगल में स्त्री कहां से आ गई। But if I ever look at that direction, Shivji will be angry on me. They don't want to look at this girl. लेकिन ये आवाज इतनी सुंदर है कि वो लोग इस आवाज की, हर कोई साधु संत भी इस आवाज के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। क्यों हो रहे? They try to control their mind. But as soon as they see Mohini Murti, lo and behold, their आराध्य दैवत Shivji is running open arms behind Mohini Murti. और साधुगण देख रहे हैं, ये क्या हो क्या रहा है। ये बात कुछ हजम नहीं हुई, वो सुंदर स्त्री भाग रही है, उसके पीछे शिवजी भाग रहे हैं। और ऐसा करते 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 अल्टीमेटली मोहिनी मूर्ति अलाउड शिवा टू टच। जैसे ही शिवजी ने मोहिनी मूर्ति को टच किया, शिवजी का वीर्य स्खलित हुआ। ये वीर्य भगवान विष्णु ने वायु के हाथ में दिया, कहा कि इसे संभालो, इससे बहुत महान व्यक्ति का जन्म होने वाला है। वायु ने कहा मैं बहुत समय संभाल नहीं सकता। सप्तर्षि आए, उन्होंने एक बहुत ही स्पेशल मेटल का पात्र दिया, कहा इसमें आप वीर्य रखिए, ये संभलेगा। वायुदेव उस मेटल पात्र को लेकर अंजना को देने आए थे। दिस इज फॉर यू एंड अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम विल बी बॉर्न थ्रू दिस सीमेन थ्रू योर वूम। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।